हेलो दोस्तों, सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। चलो दोस्तों, आज आपको लॉबी और सोफ़ा का डिज़ाइन दिखाएंगे और सोफ़ा का बेड आपको अभी दिखाएंगे किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ से आप लॉबी का डिज़ाइन देख सकते हैं। वुडन पैनल का यूज़ हुआ है दोस्तों वॉल में, और सीलिंग में भी हमने वुडन पैनल का यूज़ किया है दोस्तों। किस तरह से इसको हमने डिज़ाइन किया है अभी आपको सोफ़ा दिखाएंगे और सोफ़ा का बेड दिखाएंगे। ये जो सोफ़ा कम बेड है अभी आपको खोल कर दिखाएंगे किस तरह से बेड बन जाता है, किस तरह से सोफ़ा बन जाता है। पहले आप देखिए स्लाइड वाला डोर, हमने इसमें स्लाइड वाला डोर इसलिए यूज़ में लिए हैं ताकि कोई तकलीफ ना हो खोलने में या सोफ़े इंस्टॉल करने में, जगह नहीं खा जाता है स्लाइड वाला डोर। अगर इसकी जगह हम इसको कब्जे वाला डोर लगाते बहुत ही प्रॉब्लम आ जाती है कब्जे वाले डोर में, सोफ़ा नहीं लगता फिर। बस यही इसमें जो रहता है किस तरह से डिज़ाइन करने, डिज़ाइन इसी को मेरे दोस्तों बोलते हैं जगह को यूज़ में लेने का, किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, इमेजिन करिए आप, अगर इसकी जगह इसमें जो कब्जे वाला दरवाज़ा हो तो सोफ़ा नहीं लगता, जगह वेस्टेज हो जाता है। यहाँ से आपको अभी सोफ़ा का बेड आपको खोल कर दिखाएंगे। 6 फुट और 6 फुट का ये बन जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें हमने 2 बेल्ट लिए हैं, यहाँ से ये बन गया है, अब पूरा बेड बन गया, इस पर सो सकते हैं, खाना भी खा सकते, टेबल का काम भी देता है। ये जो फिटिंग हमने इसमें यूज में ली है, हैटिक कंपनी की फिटिंग हमने इसमें इंस्टॉल की है दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, आराम से बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से ये डिज़ाइन किया गया है जगह की वेस्टेज को, कोई दरवाजे के पहले जो जगह आती है वो वेस्टेज नहीं होना चाहिए, हमने सोचा, हमने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है। ये अभी आपको बंद कर दिखाएंगे, अभी आपको ये सोफ़ा दिखेगा। ये यहाँ से आपको ये बंद किया हमने, ये देखिए सोफ़ा बन गया, अब कोई परेशानी नहीं, इस पर हम बैठ सकते हैं, सोफ़ा बन गया, सोफ़ा कमर। यहाँ से गेस्ट रूम की एंट्री आ जाती है दोस्तों। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये हमारा सोफ़ा और सोफ़ा का बेड का डिज़ाइन पसंद आया होगा मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। मिलते हैं किसी अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुश रहेगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।